टीम जो है वो एक टीम बनती है। यहाँ पर हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, उनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप के लिए, इस हवाले से बात कर रहे हैं, बताइएगा आपकी क्या राय है। मुझे लगता ही है कि वर्ल्ड कप में जैसे ये गए थे तो ये आवाम को भी बहुत ज़्यादा तवक्को थी कि ये बहुत अच्छा खेलेंगे। इनको भी लग रहा था कि हम जाके जो है ना कोई जादू कर देंगे, हमारी टीम बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। वेस्ट इंडीज़ को इन्होंने लाइट लिया, वेस्ट इंडीज़ इन पे हैवी हो गई। तो स्टार्ट जो इनको इतना जो यहाँ स्कोर कम किया इन्होंने, रन रेट वहाँ से इफेक्ट हुआ, बाद में ये जो कम बैक भी कर सके हैं तो वो इतना अच्छा नहीं हुआ, जिसकी वजह से थ्रू आउट द टूर्नामेंट ये ऊपर तो आते रहे हैं लेकिन उनका फ़ायदा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि गेम में भी ऐसे ही होता है क्रिकेट मैच में कि अगर शुरुआत अच्छी हो तो एंड भी अच्छा होता है। तो इन्होंने शुरुआत अच्छी नहीं की, ऑब्वियसली एंड एंड कैसे अच्छा हो सकता था। तो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान टीम है इसको अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ से हट के अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ पे आना चाहिए, और बैटिंग स्ट्रेंथ पे काम करने के लिए इन्हें अपने जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनको साथ बिठाएं और वो कुछ हेल्प कर सके। पूरी कौम की पाकिस्तान टीम के लिए दुआएं थी और उम्मीदें थी, तो आप क्या देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने उन दुआओं को जो है वो तोड़, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझे लगता है कि जितनी भी टीमें वहां पे खेलने गई हैं उस सब कौमों की दुआएं अपनी टीम के साथ थी। जब हम यहाँ पे दुआएं कर रहे हैं तो वो लोग भी कर रहे हैं, लेकिन दुआओं का असर एक हद तक होता है, आपकी अपनी एफर्ट्स भी होती हैं। तो दुआओं पे रिलाय करने की बजाय अपनी स्किल्स पे रिलाय, जिस दिन ये टीम करेगी इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीतेगी। सर फराज ने कहा था कि 500 जो है वो रन का टारगेट दिया था, कॉम को यकीन दिलाया था कि 500 जो है वो कर जाएंगे, और आप क्या इस हवाले से कहें। देखिए, उन्होंने कहा था कि हम भी मिरेकल का इंतजार कर रहे हैं कि कोई मुआवजा हो जाए। मुआवजे ऐसे नहीं होते, मुआवजे करने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है। हमें भी तवक्को थी कि ये स्टार्ट से ही तेज़ खेलेंगे, और बांग्लादेश को भी पता था कि ये तेज़ खेलेंगे, लिहाजा वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सके ये नहीं कर सके। तो अवाम ने 100 रन बनाए और उसके बाद जो है वो आउट हो गए। देखें, इमाम का स्टार्ट है और बड़ा अच्छा खेल रहा है, मुझे लगता है उसको क्रिटिसाइज तो करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हम खुद ही क्रिएट करते हैं, उसको प्रेशर बिल्ड करते हैं। हमें उस लड़के को चांस देना चाहिए, वो एक अच्छा बैट्समैन है और एक बड़ा नाम बन सकता है। तो वी शुड गिव हिम सम टाइम टू एक्सप्लोर मोर हिज अपॉर्चुनिटी स्किल्स। तो 100 तो किया है, मैं समझता हूँ कि ये रोहित शर्मा जैसा प्लेयर बन सकता है जो 200 तक जा सकता है, लेकिन हमें इस लड़के को जो है ना थोड़ा सा बूस्ट अप करने की जरूरत है। क्या आपको चाहिए, आप क्या इस हवाले से कहेंगे कि अवाम को अभी टीम में और जो है वो जगह मिलनी चाहिए? अवाम में टीम को जगह, इमाम को बिल्कुल चांसेस मिलने चाहिए, इमाम को और खेलना चाहिए, क्योंकि अगर इसके साथ ज्यादती करेंगे, इसको बिठा देंगे, उस लड़के की एवरेज 50+ है, तो आपके पास तो पहले बैट्समैन ऐसे हैं जो बैटिंग तो कर लेते हैं ना, वो मैच